वर्गमूल और घनमूल के बारे में देखना। सबसे पहले अपन वर्गमूल निकालने की विधियां हैं थोड़ी, ठीक है। अलग अलग टाइप की विधि होती है, जैसे कुछ वर्गमूल गुणनखंड द्वारा निकल आते हैं कि आप गुणनखंड निकालिए उसके वर्गमूल निकल आएंगे। जैसे हमारे लिए नहीं पता कि 625 किसका वर्गमूल है, नहीं मालूम, आप 625 के गुणनखंड निकालिए, 5 लास्ट मतलब 5 से जाएगा, 5 × 5 बचा 1, 5 × 2 = 10 बचे 2, 5 = 25 फिर 5 से जाएगा, 5 × 2 = 10 बचे 2, 5 = 25 फिर 5 से गया 5 = 25 और 5 × 5 इनके जोड़े बनाइए, ये बना 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है। मतलब एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, मतलब कि 5 × 5 = 25 मतलब कि 25 वर्गमूल है किसका, 625 का, ठीक, वर्गमूल का या दशांश का, ठीक है। तो मतलब आप गुणनखंड निकाल के किसी का भी वर्गमूल और अगर 3 के जोड़ा बना देंगे तो क्या निकल आएगा, घनमूल, ठीक है। तो 2 से वर्गमूल, 3 से घनमूल, ठीक है। तो आप वर्गमूल घनमूल निकाल सकते हैं ऐसे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि अपन गुणनखंड द्वारा उनके वर्गमूल नहीं निकाल पाते, मतलब कि गुणनखंड अपन को मालूम नहीं रहता कि किससे डिवाइड होगा, तो उसके लिए दूसरी विधि चलती है, वो कहलाती है भाग विधि। मतलब आप भाग विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो दूसरी विधि है भाग विधि, जिसको देखना है भाग विधि। इसमें क्या करते हैं, इसमें इकाई किस इकाई से जाते हैं, दहाई से 18000 को, ठीक है, और दो दो के जोड़े बनाते हैं। जैसे ये लिखा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000 लाख, ठीक है, ऐसा लिखा। तो जोड़े कैसे बनेंगे, एक जोड़ा ये इस साइड से बनाओ गलती हो जाएगी, ऐसे जोड़े बनाए जाते, ठीक है, 10 लाख। तो फिर लास्ट में जो एक बार कटा है अगर बचे तो उसको एक जोड़ा, और नहीं बचता तो कुछ नहीं, ठीक है। सबसे पहले ये ध्यान रखना इकाई से चलना है, ठीक है। तो एक पहले छोटे हिस्सा लेते हैं, जैसे 625 लिखा, इसको करना, ठीक है, ये भाग विधि है। दो दो के जोड़े बनाए, एक जोड़ा 25 का बन गया, एक जोड़ा 6 का बन गया, ठीक है, दो जोड़े बन गए। अब क्या करना पड़ता है, जो पहला पद रहता है, जो पहला जोड़ा रहता है, वहां वर्ग देखा जाता है, किसी का भी आप वर्ग निकालिए उसका वर्ग इसके बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो अपन देखते हैं एक का वर्ग क्या है, 1 6 से कम है, 2 का वर्ग 4 6 से कम है, 3 का वर्ग ज्यादा हो गया, 3 का वर्ग मतलब कि 2 का वर्ग, तो 2 दूनी 4 6 में से 4 है 2 बची। अब देखो क्या करना है इसमें, कि जो 2 यहां लिखे हैं वो ही 2 यहां ऐड करने, मतलब जोड़ देने वहां पर, और 2 में 2 जोड़ो कितने हो गए 4। अब ये देखो भाग में अपन एक एक संख्या उतार देते हैं, यहाँ जोड़े के जोड़े उतारते हैं, तो ये 25 ले गए, ये 25 उतार दिए, ठीक है। अब क्या करना है, 4 भी साथ में चलेगा, मतलब कि अब 40 के लाइन में चलेगा। अगर हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 यहाँ लिखेंगे और 1 का गुणा 1 में नहीं होगा, 41 में होगा। अगर हम यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा और 2 का गुणा किसमें होगा, 42 में, ऐसा करना पड़ता, ठीक है। तो अपन को चाहिए 225, 4 में देखते हैं, तो अगर हम 44 × 4 करें तो 4 × 16 = 6, 1 × 4 = 16, 1 = 17, 176 कम हो रहा है। फिर 5 में देखते हैं 45 × 5 = 25, 5 × 2 = 22, 225 उतना ही आ रहा है ना, तो बस 5 से रह देंगे, यहाँ 5 लिखेंगे तो यहाँ 5 लिखेंगे, ठीक है, ये आ गया 225, ये कैंसिल हो गए। अब देखो इसके आगे अगर और होते तो फिर 5 जोड़ते तो जाते 50, अब 500 की लाइन में चलते, ठीक है, अगर और होते, लेकिन अब नहीं है, तो ये जो आ गया है ये अपना वर्गमूल है 25, ठीक है। ये है सिंपल सा, ये छोटी संख्या था, ऐसी बड़ी बड़ी संख्या निकाल सकते हैं आप, जोड़े बनाइए, सबसे पहली संख्या में वर्ग करके देखिए, उसके बाद जो यहाँ लिखा उसको जोड़िए, फिर इसी लाइन में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। दशमलव वाले, हाँ, जब भाग विधि कहलाता, ये भाग विधि है, दशमलव दशमलव संख्या जैसे 89 × 49 = 16 लिखा, ठीक है, दशमलव संख्या के भाग में लिखा,
एक बड़ा सवाल करें, 89, 49, 16 ठीक है, इसका अपन को वर्गमूल विधि द्वारा निकालना। तो सबसे पहले जोड़े बनाइए, जो एक 16 का जोड़ा बन गया, एक 49 का, एक 89 का, ठीक है, 9 इनाम 81 मतलब 9 है तो 9 इनाम 81 बचे 8, ये 9 में 9 ऐड कर दो कितने हो गए 18। अब दूसरा जोड़ा कितना हो गया 49। अब चलना अपन को 849 और यहां 180 दिला है, 181 का 181 हो गए, अगर हम 3 रखें 3 रख 3 3 3 9 8 24 50 3 5 कम हो रहा है 4 रख कर देखो 4 रख दे तो 184 × 4 4 × 16 4 × 16 6 4 × 32 38 4 × 36 736 5 रख के देखें ज्यादा कहां है 150 × 5 करें 55 की 5 करें 2 8 × 5 = 40 2 × 2 = 4 5 × 4 = 9 ज्यादा हो रहा 5 में तो मतलब कि किस में जाएगा 4 में, तो यहां 4 लिखिए यहां 4 लिखिए और यहां 736 लिख दीजिए ठीक है। 9 में से 6 गए 3, 4 में से 3 गए 1, 8 में से 7 गए 1, यहां 4 लिखा यहां 4 लिखा और वही 4 यहां पर ऐड कर दो कितने हुआ ये 188 ये हो गए। अब दूसरा जोड़ा ये 16 उतार दो 3 में उतार दो हां वो तो बढ़ाते जाओ 1881 की लाइन 1880 की लाइन 1880 की लाइन में चलना अपन ने सोचे 4 करें 4 × 4 क्योंकि यहां पर 16 है लास्ट ले देखो फिर उसके हिसाब से देखते हैं 4 × 16 की 6 हासिल आए 1 8 × 32 = 31 की 3 हासिल आए 3 8 × 32 = 3 35 की 5 हासिल आए 3 × 4 = 4 की 7 4 का तो नहीं आ रहा 7 आ रहा 11 कम से कम 6 को देख लीजिए 6 का देखते ठीक है 6 × 6 = 36 होता 18 86 × 6 6 × 36 कीजिए हासिल आए 3 8 × 48 = 3 और ये जो 946 आया है ये वर्ग इसका वर्ग जो होगा वो ये होगा ठीक है 89 49 16 दशमलव का वर्गमूल लेते हैं दशमलव का वर्गमूल निकालो सब लोग बटे में करके हम पूरे को वर्गमूल अलग में जी को अलग कैसे नहीं निकल नहीं एक साथ ये बात नहीं है जैसे ये लिखा 1.0816 ऐसा लिखा देखो ध्यान रखना दशमलव का अलग वर्गमूल होता इसका अलग अभी यहाँ क्या चल रहे थे इस साइड जोड़े बन रहे थे ना इस साइड बन रहे थे जोड़े इकाई से दहाई की ओर बन रहे थे ना तो अगर यहाँ 2 है 5 है तो पहले 21 का बनेगा फिर 5 का बनेगा यही होता ना और दशमलव में इसका अपोजिट होता अगर ये दशमलव में है तो पहले 0.8 का बनेगा फिर 1.6 का बनेगा ठीक है और इस साइड क्या अलग इस साइड क्या अलग इस साइड क्या अलग ऐसा नहीं करना पड़ता अगर यहाँ पर 2-1 लिखा होता तो तुम कैसे बना देते यहाँ पर 6 नहीं लिखा होता तो कैसे बनते तुम बना दे कैसे जोड़े 81 सबसे बड़ी से सबसे छोटे की ओर ठीक है तो मतलब कि अपना लिखा था 1.0816 इसका निकाला ठीक है जोड़े बनाइए एक ये एक ये
ठीक है, ये गलत भी है। अगर दशमलव के बाद में तीन संख्या रहेगी फिर कैसे? तो जीरो लगा दो। अच्छा जीरो कितनी भी लगा सकती है आप, दशमलव जीरो लगा दे। देखते हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ पर एक लिखा, यही जोड़ा है ना, तो एक एक हम एक होता होता कि नहीं होता, एक पे एक जोड़ दो हो गए, एक से एक कैंसिल होगा, दशमलव यहाँ लगा दो, 0 8 उतरे। अब कितने बार जाएगा? चार। अब 20 की लाइन में चल रहा, लेकिन यहाँ पर 8 है, मतलब नहीं जाएगा, जीरो होता 8, तो यहाँ 0, यहाँ 20 की 20 होगा, ठीक है, ये अब 0 8 में 0 8 हो गए, और 16 सोलह और काट दी, जून तारीख अपन कहते नहीं भागना चाहती सब कहते, तो वही किया है। चार कितनी बार जाएगा? चार बार, चार चौको 16, चार दूनी 8 कैंसिल हो गई, और ये आ गया 1.04, ठीक है। ऐसा किया जाता है, मतलब दशमलव का अलग और साइड का अलग, ध्यान रखना। कोई भी दशमलव हो तो ध्यान रखना, जो पूर्ण संख्या रहती है उसका इकाई दहाई से अगला हजार साठ जोड़ा बनता है, जो यानी दशमलव की संख्या रहती है उसकी दशमलव के जस्ट बाद से जोड़ा बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर यहाँ पर तीन संख्या होती, पांच संख्या होती, तो जीरो लगा कर उसको सम संख्या बनाया जा सकता है, ठीक है।